कल्चरल सेंटर और म्यूजियम सिर्फ आवाम का इतिहास नहीं होते हैं, बल्कि वह वर्तमान की ऊर्जा और उज्जवल भविष्य का संकेत भी बनते हैं। हजारों साल से प्रकृति की गोद में निवास करने वाली दार्दिक ट्राइबल ग्रुप का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि दार्दिक संस्कृति तथा देश के अन्य ट्राइबल समुदायों की नींव पर ही जम्मू कश्मीर तथा हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति खड़ी है। दार्दिक कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर की बोलचाल की भाषा में दर्द सिंह कम्युनिटी भी कहते हैं, और उन्होंने सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि सामाजिक रीति रिवाज, आध्यात्मिक समृद्धि और सहज जीवन शैली से समाज को विकास एवं प्रकृति के तालमेल सामंजस्य का दर्शन प्रदान किया है। किसनगंगा नदी की लहरों पर सजी दार्दिक कम्युनिटी की समृद्ध भाषा सीना उनकी सांस्कृतिक विशेषता ने विश्व के बदलते परिवेश के बावजूद यह सिखाया है कि सहज जीवन के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति प्रेम ही आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। हब्बा खातून पीक तथा हब्बा खातून स्प्रिंग गुरेज और ट्राइबल कम्युनिटी की ऊर्जा भी है और आशीर्वाद भी है। बुलबुले कश्मीर के नाम से मशहूर हब्बा खातून ने लिखा था कि बलखाती बहती नदियों के मुहाने तक जाऊंगी मैं, तुम्हें ढूंढते हुए विनती अरदास करती यहाँ वहाँ डोलूंगी मैं तुम्हें ढूंढते हुए। कश्मीर की कुल आबादी का लगभग 13% ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए इन्हें इंतजार करना पड़ा। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश भर के ट्राइबल समुदाय को जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर में भी मिला है, और ये प्रगतिशील समाज बने, इनको भी विकास का पूरा लाभ मिले, इसकी हर कोशिश हो रही है। हम यहाँ के जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी है उनका स्वागत करते हैं कि यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे गुरेज में आए और यहाँ पे जो कल्चरल सीना कल्चर सेंटर का इनकार किया उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं और बहुत खुश है, क्योंकि जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं उनको एक जगह यहाँ पे मिले देखने को मिलेगी और यहाँ गुरेज के कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, गुरेज की लैंग्वेज को और जो पहले रहन सहन था यहाँ का उसके बारे में लोगों को पता चलेगा, बाहर के लोगों को भी। ये अपने आप में एक तारीख है, जो तिलेल गुरेज की तारीख है वो रकम करता है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएगा वो इसकी तरफ रागिब हो जाएगा। यहाँ का जो हमारा कल्चर था, जो हमारा रहन सहन है या जो हमारी हिस्ट्री रही है यहाँ पे, वो सारा सब कुछ इसमें दिखाया गया है।